सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है। जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक भगवान के चरणों में भक्ति नहीं हो सकती। नोट कर लेना, जब तक संसार के मोह से मुक्त नहीं होंगे तब तक भगवान के चरणों की अखंड भक्ति नहीं मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सतसंग न हरि कथा और तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं टूटेगा तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। और मोह आ जाए तो बोले मोह से मोहित होकर व्यक्ति को अनेक दुख प्राप्त करना पड़ता है। भरत जी को उस हिरण में मोह हो गया, अब भगवान का भजन कम, उस हिरण का स्मरण ज्यादा। जब देखो तब उसी हिरण के विषय में सोचते, उसी को देखते। एक दिन ऐसी घटना हुई कि वो हिरण कहीं चला गया, जंगल का पशु था, चला गया। भरत जी ने बहुत ढूंढा, वो नहीं मिला। अब भरत जी को चिंता हो गई, कहाँ होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कहीं किसी शिकारी ने मार तो नहीं दिया, किसी सिंह ने शिकार तो नहीं कर लिया। यही सब सोच करके भरत जी दुखी हो रहे थे, और तब तक भरत जी की मृत्यु आ गई। मृत्यु बता करके नहीं आती, मृत्यु सूचना नहीं देती है। मृत्यु कब, कहां, कैसे आ जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है महाराज। एक महात्मा कहते थे, दुनिया में कहीं जाओ तो लिखा रहता है, यहां गाड़ी पार्किंग करना मना है, यहां थूकना मना है, यहां बातें करना मना है, लेकिन दुनिया में कहीं चले जाओ ये नहीं लिखा रहता है कि यहां मरना मना है। मरने के लिए कहीं मना ही नहीं है। क्यों, बोले मृत्यु कहीं भी आ सकती है, जहां जाओ वहीं मृत्यु आ जाएगी, कहीं भी मृत्यु आ जाएगी। दुनिया के किसी घर में आप बंद होकर के छिप करके रहो, मृत्यु वहां भी पहुंच जाएगी। काल जब आ जाएगा तो कोई नहीं बचा सकता, और कब आएगा यह किसी को पता नहीं। इसलिए हर क्षण सावधान रहना चाहिए। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। मृत्यु ने हमारे केश को पकड़ रखा है, बालों को पकड़ रखा है, बस अब मृत्यु अपना हथियार चलाने वाली है, सब तैयारी हो चुकी है। ये सोचकर हर क्षण व्यक्ति को सावधान रहकर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। लेकिन भरत जी तो हिरण का स्मरण कर रहे, मृत्यु आ गई, हिरण का स्मरण करते हुए शरीर छूटा, इसलिए भरत जी महाराज अगले जन्म में हिरण बन गए। मरते समय जो व्यक्ति जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में उसी रूप को प्राप्त कर लेता। एक महात्मा कहते थे कि घर में जब बच्चा पैदा होता है तो माताएं उस बच्चे को देख करके कहती, अरे ये तो दादाजी को पड़ा हुआ है, दादाजी को पड़ा हुआ है। बोले दादाजी को नहीं पड़ा हुआ है, दादाजी ही आकर के पड़े हुए हैं। उस मोह के कारण, परिवार के मोह के कारण मरते समय लोग अपने परिवार के बच्चों का, परिवार का स्मरण करते हैं, फिर उसी शरीर संसार में पैदा होते। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः।